Welcome all students and friends. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja from Kadi Sarv Vishwavidyalay, BP College of Computer Studies. Friends, today we are going to discuss about the most important part of .NET technology, that is ADO.NET. And ADO.NET is called ADO.NET architecture. Okay. So, first of all, what is ADO.NET architecture? If we want to learn about the ADO.NET architecture, so it is called framework. यस जिस तरह से आपने .NET का फ्रेमवर्क पढ़ा था वैसे ही ADO.NET है वो फ्रेमवर्क है और फ्रेमवर्क को आर्किटेक्चर भी कहते हैं. .NET का फ्रेमवर्क CTS, CLS और CLR पे आधारित था. ADO.NET आर्किटेक्चर जो है या ADO.NET फ्रेमवर्क है वो बेसिकली 5 क्लास या 5 कंपोनेंट पे आधारित है. उसको क्लास भी कहते हैं और उसको कंपोनेंट भी कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल .NET फ्रेमवर्क जो था वो हम क्यों पढ़ते थे. .NET फ्रेमवर्क इसलिए पढ़ा जाता था कि .NET टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, मोर देन 36 लैंग्वेज का सपोर्ट कैसे आया है, .NET के अंदर मेटा डेटा क्या है, .NET के अंदर इंटरमीडिएट लैंग्वेज लाइब्रेरी क्या है, .NET के अंदर MSIL क्या है, .NET के अंदर कॉमन टाइप सिस्टम को किसको कहते हैं, .NET के अंदर CLS किसको कहते हैं, .NET के अंदर CLR किसको कहते हैं, इस सब चीज के लिए हम लोग .NET फ्रेमवर्क पढ़ते थे. बट ADO.NET आर्किटेक्चर हमको क्यों पढ़ना चाहिए. सो ADO.NET आर्किटेक्चर पढ़ने की वजह यदि हम लोग ढूंढे तो सबसे पहली वजह उसकी एक ही है. क्लाइंट सर्वर प्रोसेस, क्लाइंट और सर्वर की प्रोसेस जो होती है वो दिखाता है. यदि हम लोग लेमैन की भाषा में समझे कि क्लाइंट सर्वर क्या है तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि मैं कोई कंज्यूमर शॉप पे गया और मैंने वहां जाके एक रिक्वेस्ट की कि 5 केजी शुगर देना, चीनी. फिर मैंने मेरे महीने का जो भी राशन है उसका बिल बताया मैंने. तो ये जब मैंने मतलब मेरा लिस्ट बताया तो वो एक लिस्ट की यादी बनाने लगा, एक थैले में वो सब चीज डालने लगा और मैं रिक्वेस्ट करता गया मुझे सोप दे दो, मुझे शैम्पू दे दो, मुझे दालचीनी दे दो, मुझे राइस चाहिए, मुझे चीनी चाहिए, मुझे हेयर ऑयल चाहिए, मुझे शैम्पू चाहिए. ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट, मैं क्लाइंट हूँ तो क्लाइंट ऑलवेज रिक्वेस्ट करता है और वो जो दुकानदार है जो मालिक है वो मुझे वो चीजें प्रोवाइड कर रहा है तो वो सर्वर है. बेटा डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो, हर एक के अंदर क्लाइंट होता है और सर्वर होता है. जैसे कि आप पहली बार फेसबुक में लॉग इन करते हो तो फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड सही डालते तो आप फेसबुक के वेलकम पेज में आते, तो उस टाइम पे जब आपने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला आप क्लाइंट हुए फेसबुक के डेटाबेस के अंदर. अब मैं थोड़ा टेक्निकल में जा रहा हूँ. फेसबुक के डेटाबेस में वो रिकॉर्ड ढूंढेगा, वो ईमेल आईडी और वो पासवर्ड है तो वो आपको सक्सेसफुली लॉगिन करने देंगे. तो भैया ये हुआ क्लाइंट एंड सर्वर. और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है वो डेस्कटॉप में, वेबसाइट में और मोबाइल एप्लीकेशन, हर जगह पे ये काम की चीज है. तो हम लोग अपनी खुद की भाषा में यदि समझे कि भाई क्लाइंट सर्वर होता क्या है,
ये सर्वर। अब हम लोग अपनी आसान भाषा में यदि समझना चाहते हैं कि क्लाइंट में क्या क्या चीजें आएगी और वो किस तरह से मैनेज होगा, तो बेबी डॉट नेट की भाषा में यदि बात करें, क्योंकि हम लोग अभी डॉट नेट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बेबी डॉट नेट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, फॉर्म होता है जिसको क्लास मतलब जिसको क्लाइंट कहते हैं। यदि आप एएसपी डॉट नेट ले रहे हैं तो उसको कहेंगे वेब पेज, और यदि मैं गलत नहीं हूं तो आपको मालूम है ASP.NET उसका एक्सटेंशन होता है वेब पेज का, इसका एक्सटेंशन .vb होता है। तो ये उदाहरण हुए क्लाइंट के। यदि हम लोग सर्वर की बात करें तो सर्वर के अंदर MySQL SQL Server, SQL Inbuilt, ये सब चीजें रहती है। अब हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि ADO.NET आर्किटेक्चर है क्या, और यदि हम लोग वन टायर टू टायर थ्री टायर को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो भी ये एक प्रॉपर टाइम है जिसके द्वारा हम लोग समझना समझेंगे कि थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टायर, जिसको प्रेजेंटेशन लेयर भी कहते हैं, जिसको प्रेजेंटेशन टायर या लेयर कहते हैं। दिस इज थर्ड टायर। Please mute yourself. अभी टायर का स्पेलिंग गलत था, I'm rewriting it. फर्स्ट टायर और थ्री टायर हो गया। जो थ्री टायर आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है जिसको सर्वर कहते हैं, उसके उदाहरण MySQL, SQL सर्वर, SQL इनबिल्ट वगैरह वगैरह, फ्रंट एंड। अब जो चीज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ वो है ADO.NET आर्किटेक्चर। सो पूरा अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। .NET के लिए ADO.NET आर्किटेक्चर, जिसको मैं बिजनेस लॉजिक लेयर कहूंगा या सेकेंड लेयर कहूंगा। अब हम लोग समझने के लिए यदि देखें, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, ओके पहले मैं यहां पे लिख दूं, दिस इज कॉल्ड सेकेंड लेयर। सेकेंड टायर ही लिखते हैं क्योंकि फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर, थर्ड टायर लिखा है, तो ये सेकेंड टायर या सेकेंड लेयर कहते हैं जिसको बिजनेस लॉजिक लेयर कहते हैं। यहां से ये प्रक्रिया हो रही है इंसर्ट की, थोड़ा छोटा करना चाहिए था ये, तो मैं डिलीट कर दिया हूं।
ये डेटा फ्रंट एंड से सर्वर की तरफ जा रहा है। सेम थिंग जब आप लॉग इन करोगे, जैसे मुझे ये चाहिए कि गुजरात के अंदर गांधीनगर के विद्यार्थी कितने हैं बीपीसीसीएस में, तो मैं सर्च क्वेरी करूंगा तो क्या होगा, यस ये प्रभाव बिल्कुल उल्टा जाएगा। कैसे? यहाँ से डेटा जाएगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो आपके बैकएंड तक आएगा। तो ये आपने समझा व्हाट इज क्लाइंट सर्वर प्रोसेस, उसमें फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर, थर्ड टायर, एंड हमने ये जाना कि ADO.NET आर्किटेक्चर होता है उसका इम्पोर्टेंट क्या होता है। यदि हम समझे आज के लेक्चर के अंदर का इम्पोर्टेंट समझे, तो नंबर वन कनेक्शन, नंबर टू कमांड, नंबर थ्री डेटा एडाप्टर डेटा सेट या डेटा रीडर भी कहते हैं उसको, इसलिए मैं चार नंबर को नीचे ले जाना चाहूंगा, डेटा रीडर कहते हैं उसको, डेटा सेट या डेटा टेबल कहते हैं, एंड पांच नंबर डेटा रीडर। तो फ्रेंड्स ये पांच मेन चीजों से ADO.NET आर्किटेक्चर बना है। ऑलरेडी ADO.NET आर्किटेक्चर का वीडियो आपको बना के मेरी चैनल में मैं रख चुका हूँ। तो ये प्रारंभिक लेवल पे कनेक्शन क्या है, ASP.NET में कनेक्शन किस तरह से काम करता है, तो चलिए मैं और आप दोनों स्टार्ट करते हैं कनेक्शन। बट कनेक्शन से पहले डेटाबेस तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये डेटाबेस होगा तो कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। तो फॉर टुडेज सेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर स्टार्टिंग विद ASP.NET ADO.NET आर्किटेक्चर, वेयर इन दिस लेक्चर इन दिस वीडियो वी लर्न वेयर एंड हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस, देन हाउ टू क्रिएट द टेबल, देन हाउ टू क्रिएट all the fields with data types, and then after we will start about how we can make it the connection, database ka connection kaise karenge wo le rahe. So I think ye jo aapke samne what is ADO.NET architecture ka ek chhota sa prayas tha wo maine aap logo ko bata diya, what is client server process wo bhi bata diya, and first tier, second tier, three tier ke sath ye bata diya ke ADO.NET architecture ka important kya hai, उसको फ्रेमवर्क भी क्यों कहते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज लोडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। फॉर ऑल दिस स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टिंग विद फाइल न्यू वेबसाइट। प्रीवियसली हमने जो भी इंडिविजुअल टूल्स पढ़े हैं, टेक्स्ट बुक्स पढ़ा, कैलेंडर पढ़ा, ऑडियो एड रोटेटर वगैरह पढ़ा, वो सब इंडिविजुअल टूल है। पर आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर यदि कोई बहुत बड़ी डिमांड है तो वो है फ्रंट एंड बैक एंड के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये सब चीज आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में भी काम लगेगी। सो फाइल न्यू वेबसाइट, ASP.NET है तो यहाँ जाएंगे, VB.NET है तो प्रोजेक्ट में जाएंगे। सो मैंने वेबसाइट पे क्लिक कर दिया है, विजुअल स्टूडियो 2010 अल्टीमेट एडिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। एफ ASP प्रैक्टिस जहाँ है उसी में हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे, जैसे ASP डिवीजन डी, ASP डिवीजन ई, ये सब दोनों फोल्डर मैंने दोनों डिवीजन के अलग रखे थे। ये प्रैक्टिस के अंदर मैं लेना चाहूँगा ADO डेमो, और ये फोल्डर बन चुका है, और ADO.DEMO के अंदर ही हम सब कुछ करेंगे। सो मैंने ओके कर दिया है। विजुअल सी शार्प यूज किया गया है फ्रेंड्स, विजुअल VB.NET यूज नहीं किया गया है। ये एम्प्टी वेबसाइट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वेब पेज नहीं है। यस web.config तो है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक डेटाबेस। यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोर है
और सर्वर एक्सप्लोर के अंदर डेटाबेस बनता है, बट डेटाबेस कभी भी सर्वर एक्सप्लोर पे बनाने की जगह पे सॉल्यूशन एक्सप्लोर पे ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि सॉल्यूशन एक्सप्लोर पे ही आपका प्रोजेक्ट होता है, सॉल्यूशन एक्सप्लोर पे ही आपका web.config होता है, सॉल्यूशन एक्सप्लोर पे ही आपके इंटरफेसेस या फ्रंट टायर या प्रेजेंटेशन लेयर, जिसको हम लोग वेब फॉर्म कहते हैं, default.aspx वगैरह होते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोर में ही इमेजेस नाम का फोल्डर लेके हमने इमेजेस का यूज किया, सॉल्यूशन एक्सप्लोर के अंदर ही CSS कास्केड स्टाइल शीट होती है, या मैं कहूँ कि ASP.NET की कोई भी प्रोजेक्ट की पूरी कुंडली जहाँ है वो सॉल्यूशन एक्सप्लोर है बेटा। तो राइट क्लिक, एड न्यू आइटम, और एड न्यू आइटम के अंदर यहाँ पे डेटाबेस के बहुत सारे सिंबल आप देख रहे हैं, बट SQL सर्वर डेटाबेस जिसका एक्सटेंशन MDF है उसी में आप जाएंगे, जो कि नीचे होगा प्लेन डेटाबेस। ऊपर जो डेटाबेसेस है वो आप देख सकते हैं कि ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, ADO.NET एंटिटी ऑब्जेक्ट जनरेटर, ADO.NET सेल्फ ट्रैकिंग एंटिटी जनरेटर, ये सब चीज XML की स्वरूप है। आगे जाते हुए जब आप पढ़ेंगे MVC आर्किटेक्चर इन योर मास्टर डिग्री MCA और MSCIT में, तब आपको XML डेटाबेस देना पड़ेगा। XML डेटाबेस एक प्रकार का एक्सेल शीट जैसा होता है, वहाँ पे आपको ये येलो जो डेटाबेस का आइकॉन है उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, वो शीट बेस है। तो ये हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है, इवन हम लोग जो डेटाबेस रह रहे हैं वो प्योर MDF रहते हैं। तो ये MDF डेटाबेस लिया, और MDF डेटाबेस के अंदर आई एम थिंकिंग द डेटाबेस नेम इज BPCCS, आवर कॉलेज नेम भोलाभाई पटेल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, डेटाबेस को ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले डेटाबेस ऐड करने के लिए एक बार फिर से देख लो, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम करेंगे, ऐड न्यू आइटम, ये सब XML कंपोनेंट है, रियल डेटाबेस नहीं है। यहाँ पे हम लोग नीचे जाएंगे, जो SQL सर्वर है जिसका एक्सटेंशन .mdf होता है, MCQ के लिए ये काम की चीज। ADO.NET में जो डेटाबेस दिया जाता है उसका एक्सटेंशन डैश होता है .mdf, यहाँ पे डेटाबेस का नाम मैंने दे दिया BPCCS. जैसे ही ऐड करूंगा ये एक वार्निंग दे रहा है, ये कोई एरर नहीं है सबसे पहले, तो ये ध्यान रखें, क्योंकि IT के बच्चे जैसे कोई ऐसा डायलॉग बॉक्स आता है तो घबरा ज्यादा जाते हैं और घबराहट के अंदर ये समझ लेते हैं ये गलत हो गया। नो, दिस इज अ वार्निंग, एंड दिस वार्निंग इज सेइंग यू आर अटेम्प्टिंग टू ऐड द स्पेशल फाइल ऑफ अ डेटाबेस इनटू द ASP.NET वेबसाइट एंड जनरेट टू यूज द टाइप इन आइटम your site and your should be a place in app.data folder, do you want to place the file into the app.data folder? yeah, jahan mera cursor ghum raha hai friends, dekhiye aap f mein jahan web.config hai solution explorer mein, wahan pe wo aapko permission ke liye pooch rahe hain, ye koi warning, ye koi error nahi hai, to wo bol rahe hai ki yadi aap yes bologe to aapka pura database server explorer jahan pe abhi left side mein jahan mera cursor ghum raha hai server explorer aap dekh rahe hain वहां पे तो डेटाबेस आएगा, बट जब आप यस करोगे तो यहाँ पे एक app.data नाम का फोल्डर बनेगा जिसके अंदर आपका BPCS.MDF हो जाएगा। तो ऑलवेज हमेशा यस बोलो, क्योंकि आप कहीं पे भी पेन ड्राइव में अपना प्रोजेक्ट लेके जाओगे तो सॉल्यूशन एक्सप्लोर में आपका डेटाबेस होना जरूरी है। आई रिपीट, सॉल्यूशन एक्सप्लोर में आपका डेटाबेस होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे यस बोलो। यस करोगे तो थोड़ी सेकेंड्स लगेगी, क्योंकि ये पहली बार कॉन्फिगर हो रहा है, so it will take some time, we are waiting for few seconds। आप देख पा रहे हैं कि ये प्रोसेस होने के बाद app.data नाम का फोल्डर बन गया, BPCCS.MDF नाम का जो डेटाबेस है वो सॉल्यूशन एक्सप्लोर में भी आ गया और सर्वर एक्सप्लोर में भी आ गया। सो बहुत आसानी से पढ़े कि डेटाबेस जनरेट करने के लिए सॉल्यूशन एक्सप्लोर में प्रोजेक्ट के अंदर राइट क्लिक, एड न्यू आइटम, MDF एक्सटेंशन वाला डेटाबेस बनाया, डेटाबेस का नाम BPCCS लिया, वो जब वार्निंग दिया तो यस बोला। यस बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कल को उठ के प्रोजेक्ट लेके जाएंगे तो आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जहाँ पे आपके हर एक वेब पेजेस है उसमें डेटाबेस होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे आप देखिए कि ये BPCCS.MDF एक्टिवेट हो गया, और ये जो डेस्कटॉप वाला मेरा पुराना डेटाबेस था वो बंद हो गया। अब टेबल्स में हम लोग जाएंगे, टेबल्स एक्सपांड करने कोई टेबल है ही नहीं, सो यहाँ पे जा रहे हैं, टेबल में जाएंगे, एड न्यू टेबल में जाएंगे, यहाँ पे आपका टेबल बन रहा है, डेटाबेस तो बन चुका है, सो टेबल बना रहे हैं, और टेबल के अंदर मैं ले रहा हूँ RNO रोल नंबर, ये एनकेर, यहाँ इंटीजर भी लिया जा सकता है, एनकेर भी लिया जा सकता है, वेरकेर भी लिया जा सकता है। आप देखो सबसे ज्यादा डेटा टाइप
मैं रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह से सुने। सबसे ज्यादा रीच डेटा टाइप यदि किसी के पास है तो वो है SQL डेटाबेस, जिसका एक्सटेंशन .mdf है। यहाँ इंटीजर भी है, एनकेयर भी है, वेरकेयर भी है, डेसिमल भी है, सब कुछ है। यहाँ ऑटो जनरेटेड नंबर को किस तरह से यूज करेंगे वो हम लोग बाद में लेंगे, बट अभी तो हम लोग एनकेयर ले रहे हैं और एनकेयर की साइज 10 की रखते हैं। फिर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम हमेशा वेरकेयर होता और वेरकेयर के अंदर 50 का नाम तो नहीं होना चाहिए, सो वी आर यूजिंग दैट थिंग एज अ 30। यदि कोई लंबा नाम वाला व्यक्ति हुआ तो 30 का साइज रखा हमने। SCP, आपको मालूम है SCP भी हमेशा वेरकेयर होता है क्योंकि ये टेक्स्ट होता है। सिटी का नाम मैक्सिमम 20 कैरेक्टर ज्यादा है। एस परसेंटेज में ले रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग चाहें तो डेटाबेस जो जनरेट हो रहा है, डेटाबेस के अंदर टेबल बना रहे हैं, उसमें डेट एंड टाइम जैसी वैरायटी ऑफ डेटा टाइप रख सकते हैं, बट अभी हम लोग बहुत प्राइमरी लेवल पे काम कर रहे हैं तो ये बस काफी है। डेसिमल, जैसे DECI लिखा डेसिमल आ गया, और डेसिमल में मैं चाहूंगा 5.2। अब मुझे प्राइमरी की बहुत जरूरी है, तो मैं जो रोल नंबर है उसको मैं प्राइमरी की सेट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने एक टेबल बना है, जो टेबल को अभी हमने सेव नहीं किया। उस टेबल का स्ट्रक्चर क्या है? चार फील्ड है, RNO, NCHAR, न्यूमेरिकल CHAR, इसको इंटीजर भी ले सकते हो, एस नेम, सिटी, एस परसेंटेज। तीन प्रकार की डेटा टाइप, NCHAR न्यूमेरिकल कैरेक्टर, वेरकेयर टेक्स्ट, डेसिमल पॉइंट के लिए, और राइट क्लिक करके प्राइमरी की दी गई। इसको बंद किया, ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव द टेबल, यस एंड आई एम गिविंग SDET, स्टूडेंट डिटेल का शॉर्ट फॉर्म मैंने दिया, ओके कर रहा हूं। सो स्टूडेंट डिटेल इज देयर, राइट क्लिक, शो टेबल डेटा, और आप लोगों को सेमेस्टर 4 के अंदर जब मैंने db.net बताया था तभी भी मैंने बोला था कि हमेशा बाय डिफॉल्ट कुछ एक डेटा ऐड करके रखो, ताकि जब हम लोग डेटा ग्रिड जैसी चीज लेंगे तब आपको कोई दिक्कत ना आए। सो आई एम यूजिंग 9 नंबर डॉक्टर अभिजीत, सिटी मैंने लिखा, तुमने परसेंटेज लिखा मैंने 87.56। डेटा एक्सेप्टेड, क्योंकि जो डेटा टाइप उसको चाहिए उसके हिसाब से ही मैंने काम किया है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब आज सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग ले रहे हैं और कुछ नहीं, राइट क्लिक, एड न्यू आइटम, और एक वेब फॉर्म ले रहे हैं जिसका एक्सटेंशन ये है, और इसको नाम दे रहे हैं SIGNUP, साइनअप, साइनअप। एड हो रहा है आपके सामने साइन अप फॉर्म। अब डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग का काम क्या है? CN ओपन, CN क्लोज, जैसे db.net में पढ़े थे वैसे ही। BPCCS पे क्लिक किया, सर्वर एक्सप्लोर के BPCCS पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गया, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो दिख रही है उसकी कॉपी की मैंने, कंट्रोल सी, और इस पेज की लोड इवेंट पे, मैं यहां पे SQL कमांड लिख रहा हूं तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊपर दो लाइब्रेरी देना बाकी है और वो दो लाइब्रेरी ऑलवेज यहाँ पे आती है। db.net में इंपोर्ट कीवर्ड यूज होता है, यहाँ यूजिंग कीवर्ड होता है, using system.data.sqlclient semicolon, और अब मैं
SQL command CMD, SQL connection आ रहा है, SQL data adapter, data reader, data set भी आ रहा है, data table भी आ रहा है। अब हमारे पास जरूरत है सिर्फ कनेक्शन की, SQL connection CN equal to new SQL connection semicolon, या inverted comma में जो आप copy करके आया है उसी को paste कर दीजिए, connection string paste हो गई। यहाँ आगे @ देना जरूरी है, ASP.NET में ये याद रखें, या @ दे दिया, end में गए semicolon तो already था, और load event .NET architecture, we open the connection cn.open. Now if we want to check this connection state is what, it is connection is open, close or running, उसके लिए डॉट स्टेट नाम की प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोग एक लोड इवेंट के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अभी मैंने डिक्लेयर कर दिया है cn, तो cn डॉट स्टेट नाम की प्रॉपर्टी है, और इक्वल टू दो बार आएगा, कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन यदि है तो कर्ली ब्रैकेट चालू कर्ली ब्रैकेट बंद, एल्स कर्ली ब्रैकेट चालू कर्ली ब्रैकेट बंद, और हम लोग जानते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर सेमीकोलन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा करेंगे, WRITE राइट का स्पेलिंग गलत है, राइट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज बॉक्स के लिए स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग ओवर, और उसके अंदर अलर्ट नाम का एक मैसेज बॉक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं चेक करवाना चाहूंगा कनेक्शन इज ओपन, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कनेक्शन इज क्लोज जिसको कहेंगे नॉट ओपन, यदि ये सही नहीं हुआ तो फ्रेंड्स ADO.NET के अंदर सबसे पहली चीज होती है कनेक्शन, और कनेक्शन जो होता है वो ऑलवेज ग्लोबली डिक्लेयर किया जाता है। यदि ये नेम स्पेस है दोनों, इसको मैं कमेंट लाइन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हर जगह पे एरर आई है, SQL कनेक्शन से लेके सब मेन क्लास या जिसको मेन कंपोनेंट कहते हैं तो उसमें एरर आ चुकी है। तो ADO.NET के लिए ASP.NET कोई ज़रूरी लाइब्रेरी है तो वो है SQL client system dot data, और उसके बाद system dot data dot SQL client, और उसको अटैच करने के लिए VB.NET में imports कीवर्ड था यहाँ पे using, तो ये दोनों लाइब्रेरी मैंने हटा दी है। और अब आप जानते हैं कि ये डेटाबेस कनेक्शन हुआ है जिसमें सिर्फ डेटाबेस अटैच हुआ, अभी हमारे पास कुछ कोई रिकॉर्ड ऐड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सो हम इसको स्टॉप करके एग्जीक्यूट करके रन करना चाहेंगे, इसको मैं रन कर रहा हूँ, पेज लोड इवेंट में ही सब कुछ हो रहा है, और आप देख सकते हैं आउटपुट कनेक्शन इज ओपन, क्योंकि हमने cn.open लिखा हुआ है। इसको बंद कर देते हैं, स्टॉप करते हैं, और एक जस्ट फॉर चेकिंग के लिए cn.close किया मैंने, और फिर मैंने रन किया, कनेक्शन इज क्लोज नॉट ओपन, मतलब कि आप जो भी परफॉर्म करके आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको ये रिस्पांस दे रहा है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहला क्लास हमने आज पढ़ा है जिसका नाम कनेक्शन क्लास है, और कनेक्शन क्लास के अंदर हमने आज ये चेक किया कि कनेक्शन स्ट्रिंग उठाते कैसे हैं, कॉपी कैसे करते हैं, और उसको लोड इवेंट में वेरीफाई कैसे किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कनेक्टेड आर्किटेक्चर, और जब भी हम लोग कनेक्टेड आर्किटेक्चर यूज करते हैं तब cn.open एंड cn.close, अब हम इंसर्ट अपडेट डिलीट सर्च ग्रुप सर्च लाइव सर्च ये सब भी प्रोग्राम करेंगे उसके अंदर, हम इसी तरह से ये काम करेंगे, बट
आज के दिन के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग ली है जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है ये cn, न्यू कीवर्ड। जैसे कि आप C++ में पढ़े थे, कोई भी चीज़ के आगे न्यू होता है तो वो कंस्ट्रक्टर क्लास में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कनेक्शन स्ट्रिंग के आगे एट द रेट लगाना जरूरी है क्योंकि ये ASP.NET है। और कनेक्शन स्ट्रिंग सेट हो गई, फिर मैंने यहाँ पे cn.open किया। cn.open करने के बाद cn.state == दो बार आएगा क्योंकि आप जानते हैं ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स में सिंगल इक्वल टू इक्वेशन के लिए यूज होता है और डबल इक्वल टू यूज होता है कंपेरिजन के लिए। यहाँ पे कहना ये चाहता है कि कनेक्शन ओपन रहेगा तो मैसेज में आएगा कनेक्शन इज ओपन, और यदि आपने कनेक्शन क्लोज करके कनेक्शन डॉट स्टेट का प्रॉपर्टी का यूज किया है तो वो मैसेज दिखाएगा कनेक्शन इज क्लोज। बाय दिस वी कंप्लीटेड कनेक्शन स्ट्रिंग ओनली विथ ADO.NET आर्किटेक्चर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।